अस्सलाम वालेकुम। चलो बच्चों, आप लोग अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना बच्चों। आई होप कि मैंने जो आपको कहा था वो आपने किया होगा, आपने आपका वर्क कंप्लीट किया होगा। तो चलो बच्चों, आज आपको लिखना है मिसिंग अल्फ़ाबेट। क्या लिखना है बच्चों? मिसिंग अल्फ़ाबेट। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। मिसिंग अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे दिए, उसी तरह से आपको नोटबुक पे कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों? तो ये क्या है? ए। ये क्या है बच्चों? ए। तो ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद सी। सी के बाद यहाँ पे डी दिया है। इसी तरह से आपको ये मिसिंग अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करने, समझ में आ रहा है बच्चों? क्या करना है? मिसिंग अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करने हैं। समझ में आया बच्चों? तो आपको मिसिंग अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करने हैं। तो चलो बच्चों, आपको मैंने कर्सिव में कौन कौन से अल्फ़ाबेट सिखाए थे, तो चलो बच्चों एक बार यहाँ पे देखो किस तरह से और कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो चलो बच्चों मेरे साथ लिखो, चलो कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं लिखो। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखो, सी, देन ई, देन एल, देन ए, देन बी, देन डी। समझ में आया कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं? तो देखो यहाँ पे कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं? सी, सी, देन ई, देन एल, देन ए, देन बी, देन डी, एंड लास्ट वन इस तरह से एफ। ये अल्फ़ाबेट्स आपको नोटबुक में लिखने, किसमें लिखने बच्चों? मिसिंग लेटर के बाद आपको ये कर्सिव वाले लेटर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। समझ में आया बच्चों? ओके, हैव यू गॉट इट? वेरी नाइस, ठीक है, आपको नोटबुक में लिखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।